देखो आप कौन हैं? आपने मुझे क्यों बचाया? आपने अंधेरा क्यों किया? आप अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे? अगर हमने अपना चेहरा दिखा दिया तो हमें यहां से जाना होगा। फिलहाल इस वक्त तुम हमें अपना रक्षक ही समझो। मेरा रक्षक? पर क्यों? क्या एक युद्ध नहीं लड़ रही हो तुम? अनेकों दुश्मनों से घिरी नहीं हो तुम? साधु बाबा को ये सब कैसे पता? हमें सब पता है। हम जानते हैं कि तुम्हारे किसी अपने की जान खतरे में है। मैडम, ये दवा वो है जो इंसान के होश ऐसे उड़ाए कि उसे फिर अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी ठीक न कर पाए। इस दवा का असर देखना है आपको, ये देखिए। अब बोलिए, है ना कमाल की दवा? ठीक, वो दवा हमें दे दीजिए। अब ये दवा गंगा को पिलाएंगे हम, और ये साबित करेंगे कि गंगा की मानसिक स्थिति सही नहीं है। पर अब तो डोरी भी नहीं है उसे बचाने वाली। चली गई डोरी, चली गई, तुझसे बहुत दूर चली गई। या मैं तुझसे वादा करती हूं, आज के बाद वो कभी नहीं आएगी तेरे पास, कभी तुझे बाबा बाबा नहीं बोलेगी। तू रह इस महल में अपने परिवार के साथ आकुरों का बेटा बनकर, पर तुझे परिवार कहने वाली डोरी टूट गई। चाहिए आसमान फट जाए, ये जमीन सरक जाए, लेकिन तू जैसा बाबा डोरी को कभी नहीं मिले, कभी नहीं। अरे नहीं चाहिए, जा जा जा, जा नहीं चाहिए तू जैसा बाबा, नहीं चाहिए तू जैसा परिवार। अखाड़े का नियम है बाबा, चुनौती देने वाले पहलवान से मुंह फेर कर नहीं जाते। हमें बाबा को बचाने के लिए हमारे साथ लेके जाना चाहिए। अब आपका हाथ पकड़ के आपको सारी पुरानी आदतें याद दिलाऊंगी, चलो। बाबा रुक जाओ, बाबा, बाबा मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, बाबा रुक जाओ ना। बाबा, ऐसी एक खास साड़ी बनाई थी आपने, आपने कहा था आप मेरी विदाई कभी नहीं करोगे। कहानी सुनाते थे बाबा, बाबा मुझे बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाते थे और मैं उन्हें सुनते सुनते सो जाती थी। दूर हो जा मुझसे, मैं तेरा कोई नहीं हूँ। चली गई डोरी, चली गई, तुझसे बहुत दूर चली गई। अब आपका हाथ पकड़ के आपको सारी पुरानी आदतें याद दिलाऊंगी, कभी तुझे बाबा बाबा नहीं बोलेगी। कहानी सुनाते थे बाबा। गंगा प्रसाद जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक है? उठे क्या हुआ है आपको? हाँ, ये लीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। क्या आया आपको? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल और दिमाग में कुछ चुभ रहा है। कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी मैं मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? समझ नहीं आया। ये आंसू इसलिए बह रहे हैं क्योंकि डोरी दुखी है, कि उसकी तकलीफ है जो आपकी आंखों से आंसू बनकर बह रही है, कि आपके दिल में जो दर्द है वो उसके दूर जाने का दर्द है। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है।
कोई फिक्र नहीं मुझे उसकी, समझिए आप। अगर आपको उसकी फिक्र नहीं है तो आपको इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? इतना बुरा क्यों लग रहा है आपको? आप माने या ना माने, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो ही नहीं सकते हैं। मुझे आपकी कोई बात पर भरोसा नहीं, मुझे आपकी एक भी बात पर भरोसा नहीं है। भरोसा ना करना ही किसी पे भरोसा करने का पहला कदम है, और मुझे लग रहा है कि आप सही रास्ते पे हैं। मुझे वो दवाई चाहिए जो मुझे माया दीदी देती है, वो दवाई चाहिए मुझे, वही मेरा इलाज, और ना कि आपकी डेढ़ बित्ते की डोरी। जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा? वो सब करना होगा जो हम कहेंगे। मैं अपने बाबा को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, उन्हें मेरी जरूरत है, वो परेशान होंगे मेरे बिना। दुश्मनों से घिरे हुए हैं तेरे बाबा, भूखे गित तुम्हारी आंखें लोच लेने के लिए यूं नजरें गड़ाए बैठे हैं। तू वापस वहां गई तो ना अपने बाबा की जान बचा पाएगी ना ही अपनी जान। माया दीदी के पास मेरी दवाई है, मुझे वो दवाई चाहिए। माया दीदी, माँ, हाँ, बेटे को कुछ चाहिए और माँ को पता ना चले, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? मैं माया दीदी को ढूंढ रहा हूँ, उनके पास मेरी दवाई है, वो दवाई लेते हैं मेरा दिमाग शांत हो जाता है, मुझे वो दवाई चाहिए। बेटा रुको रुको, तो फिर मैं क्या करूं साधु महाराज? तेरी पहचान ही तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर अपनी बाबा के लिए लड़ना चाहती हो तो अपनी पहचान बदलनी होगी। अपनी पहचान का बलिदान देकर एक नई पहचान बनानी होगी। आओ बेटा यहाँ बैठो, यही फर्क होता है माँ की ममता में और बहन के प्यार में। अब हमारा मतलब है तजुर्बे का, दिमाग को शांत रखने के लिए दवाई नहीं औषधि लगती है। ये शरबत पी लो बेटा, ये खास तुम्हारे लिए हमने अपने हाथों से बनाया है। अपने हाथों से? हाँ। मेरे लिए? हाँ बेटा, पिछले 30 सालों से अपने आंचल में तेरे नाम की ममता जो छुपा कर रखी है हमने, वो सब कुछ हमें तुम पर लुटाने दो। माँ, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? आपका प्यार, आपकी ममता मुझे पहले से ही मिल जाता। आप तो मिल गई हो ना, पिछली सारी कसर हम पूरा कर देंगे अगली। चलो अब बातें कम करो और ये शरबत पी लो। बस अब दवा अपना असर दिखाना शुरू कर देगी, जल्दी तुझे पागलपन के दौरे पड़ेंगे और फिर आज होलिका दहन में होगा तेरे ऊपर बड़ा वार। तो बता, बचा पाएगी अपने बाबा की जान? बिना त्याग के, बिना बलिदान के बड़े बड़े युद्ध नहीं जीते जाते। तुझे भी अपनी पहचान का बलिदान करना ही पड़ेगा। और क्या जरूरी है तेरे लिए, अपने बाबा की जान या फिर अपनी पहचान? सोच क्या रही है? दुश्मनों ने घेर रखा है तुम्हारे बाबा को, एक और वार होगा उस पर, तो तेरा बाबा हमेशा हमेशा के लिए तुझसे दूर चला जाएगा। तेरे बाबा को अब तू ही बचा सकती है। साधूना।
विनाशाय च दुष्कृत धर्म संस्थापनार्थाय हम भवानी युगे जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि हुई ईश्वर ने इस धरती पर जन्म लिया अपने धर्म की रक्षा के लिए क्या तुम दोगी अपने पहचान का बलिदान ठाकुर परिवार का बड़ा बेटा और बहू यश और सुधा मंजला तो पहले ही खेल से बाहर हो गया है मानसी को समझना बहुत मुश्किल है उसकी आंखों में बहुत सारे राज छुपे हैं बच्चे राज और कोमल और ये कैलाशी ठकुराइन होगी इस परिवार की रानी पर मेरे पास बादशाह है बादशाह के आगे तो रानी भी कमजोर पड़ जाती है किससे बात कर रही है माया जी जी खुद से जब दिमाग में उलझन होती है तो मैं उसे शतरंज की बिसात पर सुलझा लेती हूँ क्या बात है माया जी जी बड़ी गहरी बातें करती हैं आप हाँ मैं खेल भी बहुत गहरा खेलती हूँ वैसे हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है ये उलझन कैसी तो भगवान भी हमारे साथ है और आपने तो डोरी को भी ठिकाने लगा दिया है डोरी भी गायब हो चुकी है अब बस गंगा की ना पूरी की पूरी जायदाद हमारी हो जाए और फिर ठाकुरों का सारा खेल ऐसे खत्म हाँ नहीं नीलू मेरी लड़ाई जायदाद की नहीं है मुझे तो आत्मा पर चोट लगी है और उसकी सजा पूरी की पूरी ठाकुर परिवार की बर्बादी रानी तो यार ये अग्नि भाई साहब और माँ कहाँ रह गए आए क्यों नहीं अभी तक कैसे आएंगे वीआईपी लोग हैं ना मुसीबत तो ये है कि पहले एक घर में एक वीआईपी था अब दो दो हो गए हम कैलाशी को गंगा के साथ अब तक तो आ जाना चाहिए था कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं तुम ठीक हो ना हाँ मैं ठीक हूँ चलो तू लाख छुपा ले पर हम जानते हैं हमारी दी हुई दवा ने तुझ पर असर करना शुरू कर दिया है इक्का क्या आपने माया जी जी आपने तो सारा का सारा खेल खराब कर दिया हा? बिसात गिराना और बिसात बिछाना ये भी मेरे खेल की ही एक चाल है खैर चलिए आप तैयार हो जाइए चलकर देखे तो सही कि ठाकुर परिवार होली का दहन कितने थाट बाट से बनाता है तुम चलो मैं आती हूँ हाँ जी अग्नि कहाँ है अग्नि पहले भूकंप में पूरा बनारस हिला अब उसके बाद भूकंप में अग्नि हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि का हो का गया वो अग्नि को है हमको तो लगता है कि बेटी खोने का गम सताने लगा है उसको हाँ पागलों वाली बातें मत करो नीलू उसकी याददाश्त वापस नहीं आ सकती तुम चलो मैं अभी आई ठीक है जल्दी आइएगा मेरी सबसे बड़ी परेशानी थी वो डोरी जिसे मैंने अपने रास्ते से हटा दिया है अब खेल वैसा ही होगा जैसा मैं चाहूंगी जय माँ होलिका चाचू हम होली क्यों मनाते हैं होलिका देखो सुनो हमारा क्या है ना जो होलिका थी ना वो भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद का अंत करने के लिए उसे आग में लेकर बैठ गई अब होलिका जो थी उसे आग में ना जलने का वरदान था पर भगवान विष्णु की कृपा से
होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद जो थे वो बच गए, इसलिए होलिका मनाते हैं। अरे हस्बैंड जी, इतनी लंबी चौड़ी कहानी कहाँ सुना रहे हो? देखो वंश, बात सिर्फ इतनी है कि आज के दिन लड़कों पर आग का असर नहीं होता है। सच्ची बात चाची? हाँ सच्ची। यार रानी, तू कहाँ बच्चों को उल्टी सीधी बातें सिखा रही? बच्चा है वो, और स्कूल का वारिस भी है। देखना कम अंकल तो है ही वंश में, होलिका दहन के वक्त ना पक्का आग में बैठ जाए। रानी, एक बहुत इम्पोर्टेंट ताला लगाना है तुम्हारे जबान पे। वैसे परिवार में सबसे नीचे आ गए, सबसे छोटे हैं वो अग्नि भाई साहब, और आ गए। मैं हाथ जोड़ के विनती करते, कोई कांड मत करना, वरना आनंद भाई साहब की तरह तुम्हें और हमें दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। अच्छे के लिए बोला था ना। ना आज होलिका दहन करने का मन कर रहा है और ना ही खेलने वाली होली का मन कर रहा है। डोरी, ये कहाँ है चाची? ये पायल की आवाज सुनकर डोरी की याद आई ना, तो डोरी की याद में ही उसके लिए हम सब मिलकर ये होली का दहन का त्योहार मनाएंगे। और फिर याद है ना तुम सबको, डोरी और गंगा हमेशा ही चाहते थे ना कि बस्ती में हमेशा सब खुश रहे, मिलकर रहे और हर त्योहार मिलकर मनाए। इसलिए उन दोनों के लिए हम होली का दहन करेंगे होली का दहन। अरे सतुआ बेटा, डोरी तेरी दोस्त है ना? हमार मन कहता कि डोरी जहाँ भी है ठीक है, ये बात अलग है कि वो अभी तक मिली नहीं, पर हमें संकटा मैया पे भरोसा है बेटा, वो जहाँ भी है वो ठीक है। जाओ तैयार हो जाओ जाकर, और पूजा की तैयारी करो भाई। सचमुच आप बहुत ही हिम्मत वाली है। ऐसे नहीं होंगे है, आखिर गंगा की नानी हो, डोरे की नानी हो, हिम्मत तो रखनी पड़ेगी भाई। चलो 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 चलो, तैयारी कर बेटा, तैयारी कर। मंश, क्या कर रहे हो तुम? मंश, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ऐसे कौन करता है छोटी बच्ची के साथ? अगर मेरा अर्शु कुछ हो जाता तो तुम्हारी दुनिया हिला देती मैं। मंश, क्या कर रहे थे तुम? तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि ऐसा करने से बच्चे को चोट लग सकती है। कैसी चोट? चाची ने तो कहा था कि आज के दिन लड़के नहीं जलते। हाँ तो आग में गुंदने के लिए थोड़ी कहा था मैंने। चुप, बहुत बोलती हो तुम। वो बच्चा है, तुम तो नहीं। ऐसी बातें करते हैं कोई बच्चे से? ये वंश भी ना, जहां दिमाग नहीं चलाना होता है वहीं ये लड़का हमेशा दिमाग चलाता है। मैं ठीक। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। ठीक
ठीक कैसे होगा? हमने जो नशे की दवा दी है उससे इस पे ऐसा नशा चढ़ेगा कि होलिका दहन से पहले आज गंगा का दहन हो जाएगा।